इन दोस्तों, मैं दीपांशु। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12th का जो मैथ्स का मॉडल है उसको देखेंगे। देखो, इस वीडियो में तुम लोगों ने क्लिक किया है तो रुकना, वो कुछ चीजें दिखानी जो मैंने पिछले में कराया, जिसको तुम लोग देखते नहीं हो, आधा देख के भगते हो, वहां पर तुम्हारा यहाँ पर मैं आज क्या करूंगा, डाउट को क्लियर करूंगा, ठीक है ना। और सारी चीजें बताऊंगा कि मैथ्स का जो हम लोगों का पेपर है कैसा पैटर्न है, कैसा एग्जाम में हम लोगों के आना है। इसी पेपर से कम तुम लोगों का 40 नंबर क्लियर हो जाएगा। मैं बताऊंगा तुमको टिक लगा कि ये वाला क्वेश्चन आना, इसको पढ़ लेना। इसलिए तुम लोगों को भला चाहना हो अपना स्वयं का, तो वीडियो में रुकना नहीं, अभी चले जाओ, अपना समय मत बर्बाद करो, ना तो मेरा ही बर्बाद करो। और हम लोग देखते हैं सीधा अपना पेपर। देखो, ये हम लोगों का जो है ऑफिशियल पेपर है जो UPMSP लॉन्च करती है। आपको सारी चीजें पता है, हमको समय मिलता है 3 घंटे 15 मिनट का। कितना मिलता है बेटा? 3 घंटे 15 मिनट का हमको मिलता है इस पे समय, ठीक है ना। पूर्णांक 100 होता है, जो 15 मिनट हमको मिलता है हमारे किसके लिए होता है बेटा? पढ़ने के लिए होता है। किसके लिए होता है? पढ़ने के लिए होता है, बस। ठीक है, अब मेरी बात समझो आगे। अब हमारे सारे लिख रहे हैं, प्रश्न में कितने होते हैं बेटा? 9 प्रश्न होते हैं। कितने होते हैं? 9 होते हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य होता है इसमें। सभी प्रश्नों में खंड दे के रखता है कि कितने कितने खंड है, और प्रत्येक प्रश्न के सामने आपके जो अंक होते हैं वो सामने दिए होते हैं कि आपका प्रश्न कितने नंबर का है, ठीक है ना। इसके बाद देखो, इसमें आगे दे के रखा है हम लोगों को, प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, जो प्रश्न ना आता हो उसमें समय व्यर्थ ना कीजिए। ये केवल बेटा मैथ में लिख के आता है, ठीक है ना। ये जो लिखा है, जो प्रश्न तुमको ना है उसको कुल किसमें मैथ में ऐसा लिख के आता है, ठीक है। देखो, इसमें हम लोगों कितने बेटा, 5 या 6 हम लोगों के MCQ होंगे, 5 या 6 MCQ होंगे। पहले हम लोग MCQ देखेंगे अपने, उसके बाद हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट आगे के अपने क्वेश्चंस, ठीक है ना। क्या देखेंगे बेटा? आगे के अपने क्वेश्चंस। हम लोगों को 5 दे के रखा है, आओ देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमको दे के रखा है भाई, MCQ है, 5 क्वेश्चन 5 नंबर के होंगे। मान लीजिए कि f(x)(3x) द्वारा परिभाषित फलन f.r है, तो सही उत्तर चुनिए, ठीक है ना। क्या चुनना है बेटा? सही उत्तर चुनना है। f एक एकी आच्छादक है, f बहु एक आच्छादक है। तीसरा ऑप्शन दे के रखा है, f एक एकी है परंतु आच्छादक नहीं है। और चौथा दे के रखा है, f ना तो एक एकी है और ना आच्छादक है। क्या दे के रखा है भाई? ना तो एक एकी है ना तो आच्छादक है। देखो, ये रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन है, तुम लोग जानते हो। अब तुम लोगों को टफ लगता है चैप्टर है, मानते हैं इस चीज को कि थ्योरेटिकल पार्ट है, इसलिए तुम लोगों को ये टफ लगता है, ठीक है ना। तो देखो, इसके जो क्वेश्चंस तुम लोगों के आएंगे MCQ में ज्यादा पूछता है। यहाँ पर तुमसे 2 पूछा है, लेकिन वहां पर तुम लोगों से एक ही पूछेगा, ठीक है ना। वहां पर तुम लोगों से क्या करेगा बेटा? एक ही पूछेगा। बात क्लियर हुई? देखो, यहाँ पर तुम लोगों के दोनों क्वेश्चन शायद करवाए गए हैं पिछले एक वीडियो में, इनको मैंने करवाया है। आज तुम लोगों को मैं बता रहा हूँ कि पेपर तुम लोगों को इसमें क्या, उसमें मैंने क्या किया था, सॉल्यूशन तुम लोगों को दिया था उसमें, तुम लोगों को इस पेपर का मैंने सॉल्यूशन दिया था। आज इसमें हम लोग छांटेंगे कि हमारे एग्जाम में अब यहाँ से क्या बनना है। देखो मेरी बात समझो। दूसरा प्रश्न हमारे पास, यदि समुच्चय n में r ab बराबर b माइनस 2 हो, b 6 से बड़ा हो, द्वारा प्रदत्त संबंध r है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। हमको क्या करना है बेटा? सही उत्तर को चुनना है। हमको इसमें किसको देखना है बेटा? b जो है तुम्हारा क्या है, 6 से बड़ा है। क्या है? b 6 से बड़ा है। इसको हम लोगों को देख के इसको सॉल्व करना है। अब देखो, हमको अगला देख रखा है समाकलन x e की पावर x dx का क्या करना है बेटा? इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है बेटा? इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन तो आता है, x का क्या हो जाएगा? x² / 2 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा x का? x² / 2। बाकी आगे तुम लोग इसको कर लोगे, ठीक है। अब देखो, अगले में चले। अब हम लोग यहां से अपने काम की बात करेंगे। देखो, कोटि का एक क्वेश्चन तो देके रखा है। किसका बेटा? कोटि का क्वेश्चन देके रखा है। कोटि का क्वेश्चन तुमको मिलेगा ही मिलेगा MCQ में, ठीक है ना। कोटि तुमको पता है क्या होता है? कोटि और घात, ठीक है ना। कोटि और घात का एक क्वेश्चन तुमसे कोटि पूछ सकता है या तो घात को पूछ सकता है, दो में तुमको एक क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। फिर देखो, यदि सदिश 2i(f)+j(f)+k(f) और i-4j(f)+λk(f) परस्पर लम है, तो लेमडा का मान क्या ज्ञात करना है बेटा? लेमडा का मान ज्ञात करना है। देखो, ये क्वेश्चन मैंने तुमको करवाया है जब मैंने बताया था वेक्टर आर बराबर, तुमको निकालने के लिए बताया था। क्या बताया था बेटा मैंने तुम लोगों को? वेक्टर आर बराबर a+λb बताया था मैंने। ऐसा एक फॉर्मूला तुम लोगों को दिया था मैंने, ठीक है ना। ऐसा फॉर्मूला तुम लोगों को दिया था, इससे तुम लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो, आगे चले हम लोग बेटा। क्या करें हम लोग अब? आगे चले। अब आगे हम लोग कौन सा क्वेश्चन देके रखा है? इस हमारे जो क्वेश्चन होंगे एक एक नंबर के होंगे, ठीक है ना। कितने कितने के होंगे भाई? एक एक नंबर के होंगे। अब मेरी बात समझो, cot inverse -1/√3 का मुख्य मान क्या निकालना है भाई? cot inverse -1/√3 का मुख्य मान। ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में, इसमें तुम लोग को पूछेगा, कॉस पूछ सकता है, ठीक है ना। नोट करते जाना है यहाँ पे तुम लोग, तुम्हारे लिए बता रहा हूँ भाई। कॉस पूछ सकता है, साइन पूछ सकता है, टैन पूछ सकता है, ठीक है ना। और तुम लोगों से क्या पूछ सकता है बेटा? sec और cosec। एक क्वेश्चन तुम लोगों का इससे बनना ही बनना है, चाहे जैसा क्वेश्चन उठाए।
और तुम्हारी एक एक्सरसाइज 2.1, उसमें 6 क्वेश्चन है तुम लोगों, कितने हैं 6, उन्हीं 6 से ही तुमसे पूछेगा, ठीक है ना? क्या बेटा, उन्हीं 6 से ही तुमसे क्वेश्चन को पूछेगा, सातवें क्वेश्चन पे नहीं जाएगा वो, उन्हीं 6 पे तुमसे क्वेश्चन यहाँ से पुट अप कर देगा। फिर देखो हमसे संतत पूछता है, क्या पूछता है बेटा, एक क्वेश्चन संतत का पूछेगा। फिर देखो मैंने बताया तुमको ऊपर कोटिया और घात, क्या बताई मैंने, कोटिया और घात, यहाँ पर भी तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया है, किसका, कोटिया और घात का, किसका पूछा है बेटा यहाँ पर, कोटिया और घात का तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया है। अब देखो, दो बिंदुओं -2, 4, 5 और 1, 2, 3 को मिलाने वाली रेखा के दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन, दिक् कुज्या, दो चीजें होती हैं, दिक् कोसाइन होती है बेटा और क्या होता है तुम लोगों का, दिक् कुज्या होता है, दोनों बताया गया है तुम लोगों को, दोनों तुम लोगों को बताया गया ना भाई, दिक् कोसाइन क्या होता है, दिक् कुज्या क्या होती है, वो यहाँ पर होगा। उसके बाद देखो अगला तुम लोगों का प्रायिकता का सवाल है, किसका है बेटा, प्रायिकता का। यदि पी ए बराबर 7/13, पी बी बराबर 9/13, पी ए इंटरसेक्शन बी 4/13 है, तो पी ए बाई बी का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना? इस क्वेश्चन को तुमको मैंने जब 50 एमसीक्यू में क्लास में करवाए थे, ठीक है ना, उसमें तुम लोगों को मैंने ये क्वेश्चन करवाया है और ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन तुम लोगों को मैंने भाई एमसीक्यू में करवाए हैं, ठीक है ना? क्या बात हुई, एमसीक्यू में मैंने दोनों क्वेश्चन तुम लोगों को करवा रखे हैं, ठीक है ना? बात क्लियर हो गई यहाँ तक। अब देखो आगे चले हम लोग, अब हम लोग अगला क्वेश्चन अपना देखेंगे बेटा, अगला क्वेश्चन हमको क्या देके रखा है देखो, अब हमारे दो दो नंबर के क्वेश्चन है, कितने कितने के हैं भाई, दो दो नंबर के क्वेश्चन है, वो तो सारे तुम लोगों ने पढ़े हैं, मुझको पता है जो तुम लोगों के वो क्वेश्चन है बेटा, सारे तुम लोगों ने पढ़ के रखे हैं, सॉल्यूशन क्यों नहीं करवा रहा अभी तुमको बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा मैंने सॉल्यूशन क्यों नहीं करवाया इनका, ठीक है ना? इनका सॉल्यूशन मैं क्यों नहीं करवा रहा हूं तुमको भी बताऊंगा। देखो अब देखो आगे चले, यदि ए बराबर 1, 2 तथा बी बराबर 3, 4 है, तो ए और बी के संबंधों की संख्या क्या बेटा पूछा हमसे, संबंधों की संख्या पूछा है, तो आप लोग पता है क्रॉस करके निकालते हैं, आप लोग निकाल लेंगे। फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या देके रखा है, अगला क्वेश्चन ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जितना कहें उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, ठीक है ना? ये तुम लोगों क्वेश्चन हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? यदि वाई बराबर ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स है, तो सिद्ध कीजिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस वाई बराबर जीरो, क्या पूछा है बेटा हम लोगों से यहाँ पर, जीरो पूछा है, तो तुमको पता है इसका हम लोग डी वाई वो क्या निकालेंगे, पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे, या हम लोग कहें डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तुमको पता है भाई डी वाई बाई डी एक्स का क्या जाएगा बेटा, तुम लोग पता है कि नहीं इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या है? देखो मैं तुमको मोटा मोटा करके बता रहा हूँ, ए तुम्हारा बाहर हुआ, साइन का तुम्हारा क्या हुआ बेटा, कॉस, क्या हुआ ए कॉस एक्स, एक सेकेंड रुकना यार थोड़ा सा, हाँ चलो देखो थोड़ा सा पेन और पतला करने, एक बता दे रहा हूँ तुम लोगों को जिसमें ना लगे कि हमको केवल उतना ही करवाया जा रहा है। अब देखो मेरी बात, तुम्हारा यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा क्वेश्चन का, इसका सॉल्यूशन है, देखो इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे क्या हो जाएगा, तुम लोग इसका जब करोगे तो ए कॉस एक्स हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा ए कॉस एक्स, ठीक है ना? प्लस सॉरी कॉस का क्या होता है बेटा, माइनस का पी साइन एक्स हो जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का पी साइन एक्स हो जाएगा। अब मेरी बात समझो, ये तुम्हारा एक टर्म आया है, ठीक है ना, जो तुम्हारा है ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, तुम्हारा एफ डैश एक्स आया है, तुमको निकालना क्या है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, तुमको क्या निकालना पड़ेगा एफ डबल डैश एक्स, तो कॉस का क्या होगा बेटा माइनस साइन, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा माइनस का ए साइन एक्स हो जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा होगा साइन का क्या होता है माइनस कॉस होता है, क्या होता है बेटा साइन का, सॉरी साइन का कॉस होता है, कॉस का यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा माइनस का बी कॉस एक्स, क्या हो जाएगा बेटा माइनस का बी कॉस एक्स हो जाएगा। अब वाई की वैल्यू तुमको पता है, ये वाई की वैल्यू है, देख लो ये तुम्हारा एक निकल रहा है प्लस, ये प्लस माइनस का है तुम्हारा प्लस का, ये प्लस का है तुम्हारा बेटा किसका है माइनस का है, वैल्यू कट के कितनी आ गई जीरो आ गई। छोटा सा क्वेश्चन था, जब करोगे तो एक पूरे पेज में आएगा, लेकिन मैंने डायरेक्ट बताया तो तुम्हारा ऐसे क्वेश्चन ये सॉल्व होगा, ठीक है? मैंने एक बता दिया इसलिए अवकलन का तुमको क्वेश्चन, ये ना लगे कि आप बता नहीं रहे हैं। उसके बाद देखो अगले क्वेश्चन पे चलें। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन हमको क्या देके रखा है, एक सेकेंड, चलो देखो अगला क्वेश्चन जो हमको इसमें देके रखा है भाई, देखो सदिशों i-2j+3k और 3i-2j+k के बीच का कोण, कोण का तुमको मैंने 50 बार बताया यार, कॉस का फॉर्मूला लगता है, मैंने इसके साथ तुमको 10 क्वेश्चन करवाए होंगे, ठीक है ना? लॉन्ग में करवाए हैं, शॉर्ट में नहीं करवाए हैं, लॉन्ग में भाई कैसा था आप लोगों का, तीन तीन का था, मैंने बड़ा क्वेश्चन करवाया, सेम वैसे वाला तुम लोगों का क्वेश्चन होगा, ये भी तुम्हारा क्वेश्चन आता है, एक तुम्हारा ये क्वेश्चन था एक ये था, ये दोनों क्वेश्चन तुमको आते हैं। फिर देखो अगला क्या देख रखा है, आप भी का है, यदि एक्स 2 और 3 प्लस वाई माइनस 1, 1 तो बराबर में क्या देख रखा है 10, 5 है, तो x y के मान क्या निकालना है बेटा, x और y के मान निकालने, तो तुमको क्या करना है ऐसे समीकरण बना लेना है, क्या करना है भाई समीकरण, समीकरण कैसे बनेगा, अंदर x का मल्टीप्लाई कर दोगे तुम्हारा हो जाएगा यहाँ से 2x, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से तुम लोगों का 2x हो जाएगा, एक सेकेंड रुकना तुम लोग, हाँ चलो ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा तुम लोगों का यहाँ से 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ से तुम लोगों का 2x हो जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा कितना हो जाएगा बेटा 3x, प्लस यहाँ पर माइनस का वाई हो जाएगा तुम लोगों का, अब तुम लोग इसका समीकरण बनाओगे माइनस वाई, यहाँ पर तुम्हारा
प्लस वाई बराबर 10 और यहाँ पर बराबर का 5। समीकरण बनाना पता है कि नहीं कैसे बनता है? कुछ नहीं करना होता है, बाहर वाले टर्म का अंदर हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? मल्टीप्लाई कर देते हैं। सारी चीजें क्लियर है कि नहीं? चलो सही है। अब देखो ये बात समझ में आ गई, ये तुम्हारा ऐसे क्वेश्चन अब तुमको पता है, जो कटेगा उसको काट देंगे और जो जुड़ेगा उसको जोड़ देंगे, दो और ऐसे तीन वगैरह आंसर इसका आएगा, अब तुम लोग इसको सॉल्व कर लोगे। अब देखो चौथे में हम लोग चले, ये भी हमारा दो नंबर का प्रश्न है। कितने का है बेटा? ये भी हम लोगों का दो नंबर का ही प्रश्न है। देखो क्या दे के रखा है, सभी खंड करने। इसमें भी हम लोगों को बेटा सभी खंड करने हैं। दिखाइए कि प्रदत्त फलन f(7x-3) r पर एक वर्धमान फलन है। क्या है बेटा? वर्धमान फलन है। वर्धमान और ह्रासमान, क्या पूछेगा तुम लोगों को इसमें? वर्धमान और ह्रासमान, ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों को इसमें करना होगा। बात क्लियर हुई? अब देखो और क्वेश्चन शायद नीचे नहीं दे के रखे, एक बार देख लें। नहीं, अब अगले पेज में चले बेटा। इसको कराने का यही है कि तुम लोग समझ लो कि तुम्हारे एग्जाम में पेपर आता कैसे है, ठीक है ना। तुमको ये देखना है कि तुम्हारे एग्जाम में पेपर जो आता है वो कैसे आता है, ठीक है ना। देखो अब देखो अगला क्वेश्चन देके रखा है, सदिश a प्लस बी और a माइनस बी में, ये देखो वेक्टर का साइन ऊपर, में प्रत्येक लंबवत मात्रक सदिश है। a बराबर i प्लस j प्लस k, b बराबर i प्लस 2j प्लस 3k है। क्या पूछा है बेटा इसमें हमको? सदिश में हमको प्रत्येक मात्रक लंबवत सदिश देके रखा है। कैसे? लंबवत सदिश हमको ज्ञात करना है। क्या करना है? लंबवत सदिश हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने तुम लोगों को करवा रखा है, इसको भी तुम लोगों को ध्यान से करना है। फिर उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं, वेक्टर ए बराबर देके रखा है 3i प्लस j प्लस 4k और i माइनस j प्लस k द्वारा दी गई है। हमको इसमें क्या बेटा फाइंड करना है? उसकी भुजाएं फाइंड करनी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आने के तुम्हारे में चांसेस कम है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा इसका। देखो अगला क्वेश्चन देखें, ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई हैं, पी ए बराबर 1/2, पी ए यूनियन बी 3/5 तथा पी ए बराबर पी का मान ज्ञात कीजिए। परस्पर घटनाएं अपवर्जी हैं। क्या है बेटा? अपवर्जी हैं। अब मेरी बात समझो, जब मैं एमसीक्यू करवाया हूं तो उसमें तुमसे बताया हूं अपवर्जी का रूल क्या होता है, तुमको इस बात को मैंने बताया है अपवर्जी का रूल क्या होता है, तो तुम लोग उससे देख के इसको करना। अब देखो अगले पे चलें, अगला क्वेश्चन है तुम लोगों का इस पे, ये हम लोग 5-5 नंबर के क्वेश्चन है। कितने कितने के भाई? 5-5 नंबर। अब इसमें तुमको बताऊंगा मैं कि मैंने कितने क्वेश्चन तुम लोगों को पहले करवा रखे हैं। देखो सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड आर ए बी संख्या 2a-b को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध। इसमें हमको क्या करना है बेटा? तुल्यता संबंध को निकालना है। क्या निकालना है बेटा? तुल्यता संबंध निकालना है, ठीक है ना। इसके बाद देखो अगले में देके रखा है, यदि a बराबर 2, 3, 1-4, b बराबर 1-1-2, 3 हो तो सिद्ध कीजिए ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को मैंने तुम लोगों को करवा रखा है, ठीक है ना बेटा। इस क्वेश्चन को तुम लोगों को मैंने करवाया है, मैंने बताया तुम लोगों को, तुम लोगों को 8 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा। कितने में पूछेगा? 8 नंबर का। लेकिन तुमसे पूछा कितने बेटा? 5 का। क्यों पूछा है 5 का? क्योंकि जो हमारा मैट्रिक्स है 2x2 का है। कितने का है? 2x2 का मैट्रिक्स है, ठीक है ना। कितने का बेटा? 2x2 का मैट्रिक्स है, इसलिए हमसे कितने का है ये क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का पूछा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमको इसमें देके रखा है बेटा, फलन साइन एक्स की पावर कॉस एक्स है तो एक्स के सापेक्ष अवकलन। क्या करना है बेटा? एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो तुमको पता है ये भी मैंने करवाया है तुमको एक क्लास में। क्या करोगे तुम लोग? लॉग ले लोगे। क्या लोगे बेटा? लॉग। मैं बता दे रहा हूं एक बार करना, सेम क्वेश्चन तुमको मिलेगा, केवल वैल्यू यहां पर चेंज होगी। तुम लोग लॉग लोगे तो क्या बन जाएगा तुम लोगों का बेटा? यहां से लॉग m की पावर n, क्या बन जाएगा बेटा? log m की पावर n। जब तुम लोग से फॉर्मूला लगाओगे तुम्हारा यहाँ से बनेगा n log m। क्या बनेगा बेटा? n log m बन जाएगा। क्या बनेगा? n log m बन जाएगा। n log m में तुम लोग क्या करोगे? फिर यहाँ से फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला लगाओगे। किसका बेटा? फर्स्ट इंटू सेकेंड। अब तुमको पता है फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, ठीक है ना। ये तुम लोगों क्या होता है बेटा? फॉर्मूला होता है। इसको सॉल्व करना, तुमको इसका एक क्वेश्चन मिलेगा। इसीलिए मॉडल देता है यूपी बोर्ड, इसीलिए मॉडल रिलीज करता है कि तुम लोगों की बुद्धि जो है थोड़ा सा खुल जाए कि तुम्हारे एग्जाम में क्या आता है। ऐसे तुम लोग सब पढ़ते रहते हो ना, जाओगे बड़े बड़े क्वेश्चन है, लाओ भैया जितने बड़े उतने पढ़ लें। अरे गधो, बड़े नहीं पढ़ने, जो आने उनको पढ़ो ना। सारा पढ़ के क्या करोगे? अब पूरे साल कुछ नहीं उखाड़ पाए हो, तब कुछ नहीं उखाड़ पाओगे 20 दिन में। उतना पढ़ो जिसमें तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाए, ठीक है ना। पूरा पढ़ने से बेवकूफ़ी है, कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग। अब देखो अगला क्वेश्चन तुमको बताऊं मैं, पाई बाई 4 अपर लिमिट लोअर लिमिट माइनस पाई बाई 4 दे के रखी साइन स्क्वायर एक्स का। क्या निकालना है बेटा तुमको? इसका मान ज्ञात करना है। क्या करना है? इसका मान ज्ञात करना है। फॉर्मूला लिख लेना, नोट करके अपना करना घर पे, करवाऊंगा लेकिन बाद में, अभी नहीं। अब देखो इस क्वेश्चन को मैंने नहीं करवाया है, इसको करवाऊंगा मैं, लेकिन एक बार देख लेना। प्रॉपर्टी नंबर 5 है, शायद 5 ही प्रॉपर्टी है,
इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, रेखाओं वेक्टर आर बराबर आर आई प्लस टू जे माइनस फोर के प्लस लेमडा टू आई प्लस थ्री जे प्लस सिक्स के और आर बराबर थ्री आई प्लस थ्री जे माइनस फाइव के प्लस म्यू टू आई प्लस थ्री जे प्लस सिक्स के कैफ के बीच की न्यूनतम दूरी क्या निकालनी है बेटा, न्यूनतम दूरी निकालनी है। तीन बार क्वेश्चन करवाए हैं तुम लोगों को, इस क्वेश्चन को मैंने तुमको तीन बार करवाया है, बात पता है ना, इस क्वेश्चन को मैंने तुमको तीन बार करवाया, मैंने कहा कि पढ़ लो आएगा पक्का आएगा, लेकिन तुम लोगों को मतलब नहीं रहता है। अभी तो कम, जब एग्जाम हो जाएगा तुम लोगों का 29 को, तब तुम लोगों को लगेगा कि हाँ यार कोई कहता तुम लोगों को पढ़ लेना चाहिए था, उस समय तुम लोग पढ़ लिए होते तो आज दिक्कत ना जाती, लेकिन बाद में ही होगा, अब पछताए का हो जब भैंस छाट गई रेत। इस क्वेश्चन को मैंने प्रॉपर तीन बार करवाया है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ, एक बार जाना क्लास को विजिट करना, तुमको इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी पूरी प्लेलिस्ट की, सारे क्वेश्चन देख लेना अपना, देखते ना जो यहाँ क्वेश्चन है वहाँ पर लिखा है। जैसे तुम लोग इंट्री लोगे, जैसे तुम लोग प्लेलिस्ट में जाते हैं, तुम लोग कहते हो मिलती नहीं है क्लास, जाओगे तुमको क्वेश्चन मिलेगा, आठ नंबर का क्वेश्चन है, पांच नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन खोलोगे तुमको पहले क्वेश्चन दिखेगा, ये क्वेश्चन है इसको तुम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन होता है वहां से तुम उठाओ और कर लो, ठीक है बेटा। अब देखो एक ये क्वेश्चन तुम लोगों का पांच नंबर का आता है, ये क्वेश्चन तुम लोगों का, इसको तुमने करवा रखा है, इसको भी तुम लोग अपना कर लेना, कुछ नहीं फॉर्मूले में रखना है यार, दो तो इसमें बनेंगे तुम्हारा ए बी करके तुम लोग बनाओगे वेक्टर, आप आर बराबर ए प्लस लेमडा बी वन करके फिर म्यू प्लस लेमडा बी टू करके बना लोगे ए वन प्लस बी टू, उसमें तुम लोग सारी वैल्यू निकाल लोगे, फॉर्मूले में रख देना सीधा आंसर आ जाएगा। या तो तुमको मॉडल में पूछ लिया पांच नंबर का, बोर्ड एग्जाम में होता तुमसे पूछ लिया यही क्वेश्चन आठ नंबर में, किसमें कितने पूछ ले भाई, यही क्वेश्चन तुम लोगों से पूछ लेगा ये आठ नंबर पे। अब देखो अगला क्वेश्चन देखे, दिखाइए कि एफ एक्स मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, यदि एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो और जीरो यदि x इज इक्वल टू जीरो पर असंतत है, क्या है बेटा असंतत है, ये भी क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आता है 100%, ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में 100% आता है, लेकिन हो जाता है दूसरी तरह पूछ ले जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ, इनको रट लोगे तो फायदों में रहोगे, ठीक है ना, 15 नंबर तुम्हारे यहीं से क्लियर हो जाएंगे, 15 तुम्हारे यहीं से क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, खा नंबर दे के रखा है, ये भी पांच नंबर वाले हैं, यदि x बराबर जीरो एवं x बराबर दो पाई के मत एक वक्र y बराबर cos x से घिरे क्षेत्रफल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्या करना है हमको y बराबर cos x से घिरे क्षेत्रफल का घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसको मैं करवाऊंगा नहीं करवाऊंगा, एक्सरसाइज 8.2 इसका है बेटा, एक्सरसाइज तुम लोगों का ये एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन है, किसका है भाई 8.2 का क्वेश्चन है तुम्हारा, ये तुमको 8.2 में यही क्वेश्चन तुमको सेम मिलेगा, वहां पर वैल्यू की जगह 4 पाई की जगह 2 पाई की जगह 4 पाई लिखी है शायद, सेम क्वेश्चन तुम लोगों को मिल जाएगा, वहां से अपने एक बार देख लेना, बाकी मैं करवाऊंगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अच्छा अब आए हम लोग कुछ ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन, एक सेकंड रुकना। पहला क्वेश्चन है, पी का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखाएं, यदि रेखाएं पूछता है, लेकिन यहाँ पर ताकि दे के रखा है तुमसे एग्जाम में, यदि पूछेगा 1-x/3 7y-14/2p x-3/2 और 7-7x/3p = y-5/1 6-x/5 परस्पर लंब हो, क्या हो बेटा परस्पर लंब हो, तो मेरी बात समझो, परस्पर लंब का जो तुम लोगों से क्वेश्चन पूछता है बेटा, इस पे ऐसा क्वेश्चन तुमको एग्जाम में नहीं देगा, अभी बता दे रहा हूँ, तुम लोग परेशान मत होना कि तुम लोग मॉडल से जो लोग पढ़ रहे हो जो कह रहे हो कुछ बताते भी हैं महान भाव, यही क्वेश्चन तुम लोगों को मॉडल में दिया ऐसा ही पे क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा तुमसे, वहां पर सिंपल लैंग्वेज में पूछता है, सिंपल सी वैल्यू दे रहेगी y-2x 3-2p 2p cp सब नहीं देकर रखेगा, ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, फिर तुम लोगों को वहां सॉल्व करना होगा। फिर देखो एक तुम्हारा प्रोग्रामन का रैखिक प्रोग्रामन का सवाल है, लीनियर प्रोग्रामिंग जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बेटा, एक क्वेश्चन तुम लोगों को ये आता है, ठीक है ना, निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत 3x+2y का न्यूनतमीकरण कीजिए, x+y > 8 3x+5y क्या है भाई 15 से छोटा है, फिर देके रखा है x > 0 y > 0, ठीक है ना, ये क्वेश्चन तुम लोगों को मैं करवाऊंगा, पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, कारण ये है कि तुमसे आठ में भी पूछता है कभी कभी, यहाँ तो पूछ लिया तुमसे पांच नंबर में, तुमसे ये क्वेश्चन आठ में पूछ लेगा, इसका मैं तुमको पूरा ग्राफ सहित, ठीक है ना, एक एक ग्राफ सहित बताऊंगा, फिर कॉपी में क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा तुम लोगों के कॉपी के हैं, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखे, एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का 40% अंग्रेजी का और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं, प्रायिकता ज्ञात कीजिए, वरना तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, जबरदस्ती परेशान मत होना, ठीक है, क्वेश्चन तुम लोगों को प्रायिकता का ऐसा नहीं देगा, सॉरी कार्ड का सवाल देगा, किसका देगा बेटा, कार्ड का, या लाल गेंदे या नीली गेंदों का देगा, उसको करवाऊंगा। अब देखो बेटा, अब तुमको यहाँ पर क्या देगा रखा, निम्नलिखित में किसी एक खंड को कीजिए, क्या देके रखा है बेटा, निम्नलिखित में किसी एक खंड को कीजिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास आठ नंबर का क्वेश्चन रहेगा, यदि ए इनवर्स देके रखा है 3-1 1 15-6 -5 5-2 -2 और
बी बराबर एक दो माइनस दो माइनस एक तीन जीरो जीरो माइनस दो एक। तो ए बी का मान, ए बी का होल इनवर्स क्या पूछा है बेटा, ए बी का होल इनवर्स। ये क्वेश्चन तुमको मैंने करवा रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, चेक करोगे मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है तुम्हारे पास, इसमें तुमको क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या निकालनी है बेटा, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। यही क्वेश्चन मैं तुम लोगों को करवा रखा हूँ, दोनों क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, एक बार नहीं दो दो बार, तीन तीन बार, ऊपर वाला मैंने तीन बार करवाया। किस कारण से, एक बार तुमको क्वेश्चन यहाँ मिला आठ नंबर, एक बार तुमको पांच नंबर का मिला, क्योंकि मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से मिलाकर तुम लोगों का 30 नंबर का पेपर बनता है। कितने का बनता है बेटा, 30 का बनता है। शेष बाकी 40 45 नंबर का तुम्हारा कैलकुलस हो गया, 75 नंबर तुम्हारे ये होते हैं, और शेष में 25 नंबर में तुम्हारा सारा पेपर रहता है, ठीक है ना। इस कारण से मैं जितना करवाता हूँ, जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये तुम्हारे एग्जाम में आना है, उसको बस ही मैं करवाता हूँ। अब देखो, अब हमको दो में फिर एक करना होगा। यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है, ठीक है ना। हमको क्या प्रूफ करना है बेटा, गोले का आयतन 8/27 होता है। कितना होता है, 8/27 होता है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन देख रखा है, अवकल समीकरण dy by dx minus y बराबर cos x का व्यापक हल। क्या पूछा है बेटा, व्यापक हल पूछेगा, क्या पूछेगा, व्यापक हल। ये भी हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर देखो यहाँ पर दो में करना होगा, इनमें करवाए जाएंगे। ये एक प्रश्न तुम्हारे यहाँ से एक्सरसाइज मैं लिखे दे रहा हूँ, जिसको लग रहा हो कि हमको पढ़ना है भी मन से, 8.2 किससे बेटा, 8.2 से आना है, वहां से कर लेना। फिर देखो अगले में चलें, निम्नलिखित में किसी एक खंड को हल कीजिए, पाई बाई टू से जीरो लॉग साइन एक्स डी एक्स। उस बार कॉस का पूछा था, इस बार साइन का पूछा है। देखो दूसरा इसमें देख रखा है, पाई से जीरो तक है, एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का मान ज्ञात करिए, ठीक है बेटा। ये दो में तुमको एक मिलेगा तुम्हारे एग्जाम में, दोनों में तुमको करवाऊंगा, ठीक है ना। इन दो में तुमको एक क्वेश्चन मिलेगा, चाहे जहां मिले, पांच में भी मिल सकता है, आठ में मिल सकता है, साइन की जगह कॉस भी पूछ सकता है। जरूरी नहीं कि तुमसे साइन ही पूछे, क्या भाई, जरूरी नहीं कि तुमसे साइन ही पूछे, कॉस भी पूछ सकता है, ठीक है। तो विशेष करके इस प्रश्न को तुम लोग मन से पढ़ना, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में मिल जाए, हो क्या सकता है, पक्का आएगा। लेकिन तुम लोग उसको क्या करना पड़ेगा बेटा, मन से पढ़ना पड़ेगा, बिना मन से पढ़े कुछ होने इस वाला नहीं है। बात क्लियर हो गई मेरी। ये तुम लोगों कौन सा क्वेश्चन था बेटा, ये तुम लोगों का पूरा पेपर था, ऑफिशियल मॉडल पेपर, इसलिए मैंने बताया क्योंकि तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट निकलते हैं। इस कारण से मैंने इस पेपर को तुम लोगों को पूरा बता दिया कि क्या आना है तुम्हारे एग्जाम में और क्या नहीं आना है, ठीक है ना। पूरा एक बार तुम लोग यूपीएमएससी से जाकर इसको डाउनलोड करना, जो यहां से क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं वहां पर क्वेश्चन नंबर नोट करना, ये दो क्वेश्चन पे एक आना है, ठीक है ना। इन दो क्वेश्चन पे तुमको एक मिलना है, यहाँ पर तुमको इन दो पे तुमको एक मिलना है। तुम लोग क्या करना है, एक बार सॉल्व करना, मैं करवाऊंगा। देखो मेरे करवाने में क्या है भाई कि मैं टॉपिक वाइज अब करवाऊंगा, इसलिए मैथ नहीं करवा रहा हूँ, जब करवाऊंगा तो टॉपिक वाइज करवाऊंगा। टॉपिक इन द सेंस दो टॉपिक लेके चलूंगा, पहला रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जितने क्वेश्चन बनेंगे जितने कॉन्सेप्ट बनेंगे कॉन्सेप्ट के थ्रू लेके चलूंगा, ऐसे नहीं करवाऊंगा मैं वाइज लेके चलूंगा। दो चैप्टर एक साथ जितने क्वेश्चन बनेंगे पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर उसके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ऐसे करके हम लोग। अभी मैं उसका शेड्यूल भी तुम लोगों को दूंगा इस क्लास के, तुम लोग तुरंत बाद, हो सकता है इससे पहले भी तुम लोग शेड्यूल पा जाओ, मैथ में हम लोग कैसे क्लासेस चलनी है और कैसे हम लोगों को आना है, ठीक है ना। सारा तुमको क्लास मिलेगा, 5-7 क्लासेस का सीन होगा, एक आधी मैराथन सॉन्ग, सारा क्लियर उसमें हो जाएगा। बात समझ में आ रही है मेरी, सारे क्वेश्चन नोट कर लेना, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक किया करो और चैनल को सब्सक्राइब किया करो जो तुम लोग नहीं करते हो। कहने का कोई मतलब नहीं है तुमसे, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है, मैं कहता हूँ, ठीक है ना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।